आप ये एक दिन में कितनी पी लेते हैं? एक दिन में कम से कम 150 ग्राम का। 150 ग्राम? 150 ग्राम। एज कितनी होगी आपकी? हमारी 54। 54। और वैसे आप मतलब यहाँ पर कब से हैं? यहाँ पे तो हमारा पूरा बचपन ही यहाँ हो गया। अच्छा, हरिद्वार में। हम लोगों का क्या पता, हम लोग फकीर हैं, नहीं गंगा बाबा है, हम लोगों के पास रिद्धि सिद्धि है, पता नहीं हम कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे। भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्वी महात्मा है, बैठ जा आराम से। क्यों खड़ा है भाई? नहीं, मैं आप क्या खाते हो, मतलब आपका डाइट क्या होती है? खाना पीना यही अपना भोजन यही शुद्ध शाकाहारी। और ये जो अब सफ़ेद वगैरह लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ये भस्मी। हाँ, अच्छा, बस भस्मी है। हम लोग नागा साधु भस्मी लगाते हैं। अच्छा, उनके पास अखाड़े के लिए असर होता है। ऐसे नहीं होते हैं तो अखाड़ों का कुछ बता सकते हो कि मतलब हिस्ट्री क्या है अखाड़ों की? थोड़ा कुछ बताओ आप, जैसे कि जूना अखाड़ा, इस तरह अखाड़े होते हैं, क्या हिस्ट्री क्या है उसकी? अखाड़ा है जूना। नहीं, जैसे कि जूना तो फेमस है, तो इसके लिए सबको पता है। फेमस है तो आप समझ लो कि फेमस है, ये धर्म के खातिर जूना अखाड़ा बना। जगत गुरु शंकराचार्य ने एक फौज बनाई थी, क्योंकि जब मुगलों का शासन था जमाने में, मुगल जो थे वो अपने मंदिर को तोड़ के और मस्जिद बना देते थे, तो मान ही रहे थे। तो वो जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने ये नागा फौज बनाई है, क्योंकि जो मिलिट्री पुलिस जो बनी है, फिर मिलिट्री पुलिस बनाई राजा लोगों ने यहाँ, तब उनसे लड़ाई भिड़ाई करके तो हमारी फौज ने जो नागा फौज थी ये फौज कामयाब रही। तो धर्म के खातिर हम लोगों ने, फिर हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने ये धर्म के खातिर ये नागा फौज बनाकर तैयार करी है। क्यों? धर्म के खातिर। हम लोग कोई भीख मांगने के लिए या कोई उसके लिए थोड़ी, हम सिर्फ धर्म के खातिर नागा साधु। तो आप साधु कितना टाइम हो गया आपको, कितने टाइम से आप बने हुए, मतलब कौन सी एज में बने थे आप? मैं 3 साल की उम्र में ही बन गया था साधु। 3 साल की उम्र में? और आपके मम्मी पापा, फैमिली, माता पिता? माता पिता हैं मेरे। अच्छा, मैं कभी जाऊँ 10 साल में ऐसे कभी जाऊँ नहीं, मेरी खुद आ जाते इधर। अच्छा, मतलब आपको जानते हैं अभी? जानते रहे क्या, मेरे गुरु जी थे जो माता पिता ने धूने भी जब चढ़ाया था वो हमारे जन्म मम्मी से थोड़ी दूर था, फैसला 1-1.5 किलोमीटर का जो महाराज जी थे, 1-1.5 किलोमीटर फैसला भी जंगल में आश्रम था। अच्छा, और आपकी आपकी एज कितनी है? उम्र 186। महात्मा की उम्र का कोई पता नहीं कितनी है, वैसे तो उम्र 24 घंटे की है, वैसे कोई पता नहीं। उम्र इनके हाथ में होती है घटाना और बढ़ाना, साधु की उम्र साधु के हाथ में होती है घटाना और बढ़ाना। ठंडियों में आप लोग क्या यही कपड़े पहनते हो आप? कपड़े कहाँ पहनते, मतलब ये जो ठंडियों में भी ऐसे ये अपने गिरफ्तों के मारे थोड़ा ऐसा कि समय का परिवर्तन हो गया, इस वजह से हम लोगों को कपड़ा है नहीं बेटा, कोई समझता कोई नहीं समझता उस चीज को, तो इसलिए हम लोग कपड़ा पहन के थोड़ा अपना शरीर ढांक के रखते हैं। असली रूप हम लोगों का कुंभ में ही होता है, असली रूप जो होता है कुंभ में ही होता है। तो आप इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हो, मतलब कुछ जान, मतलब फ़ोन मोबाइल वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ यूज़ करते हो आप? करते हैं आप? हाँ,
कौन है विवेकता समझ हमारे बाबा जी चलाते हैं एक फोन नहीं हजारों फोन तुम जैसे बच्चे दे जाते हैं क्या करता हूँ वोट फाड़ के देता हूँ गंगा में गंगा माई देती है तो गंगा ही माई दे देता हूँ फिर आ जाते यहीं पर रहोगे मतलब अभी आप सुबह कितने बजे जाग जाते हैं है? सुबह कितने बजे जाग जाते हैं आप कोई पता नहीं मैं 8-9 बजे भी जागता हूँ और कहे 4 बजे जाग जाऊँ तो पूरी रात ही ना सोऊँ पूरी रात ना सोऊँ हाँ चाहे 2 दिन भी ना फिर भी ना सोऊँ चाहे दिन हो चाहे रात